हेलो दोस्तों, आज देखेंगे 18 मॉडल प्लेट में 6 एम्पीयर स्विच और एक रेगुलेटर को चेंज किस तरह किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गंगा भारती इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। ये देखिए, यहाँ पर गोल्ड मेडल कंपनी का रेगुलेटर यानी कि स्टील स्पीड डिमर है और 6 एम्पीयर स्विच है। यहाँ पर देखिए, ये 18 मॉडल बोर्ड है। यहाँ पर स्विच में थोड़ा प्रेस करने के बाद में सप्लाई आता है और ये रेगुलेटर तो लास्ट स्टेप में ही चलता है सिर्फ। तो इसे चेंज किस तरह किया जाता है इस वीडियो में पूरा देखिए दोस्तों। देखिए, प्रेस करने के बाद में फैन में थोड़ा सप्लाई आने के बाद में स्पीड आ चुका है। तो इसे चेंज किस तरह करते हैं देखिए। पहले इसको प्लेट को निकालिए दोस्तों। इस तरह से लॉक सिस्टम रहता है इसमें। इस तरह से प्लेट निकालने के बाद ये 18 मॉडल होने की वजह से इसमें 6 स्क्रू आएंगे फिटिंग के लिए। 12 मॉडल में 4 रहते हैं। और यहाँ पर दिया है इसका कंपनी का नाम यानी कि मॉडल का नाम। कंपनी का तो गोल्ड मेडल कंपनी है। इस तरह खोल लेते हैं। खोलने के बाद देखिए यहाँ पर कितना वायर छोटा रखा है सप्लाई का, जो हाफ पॉइंट का है वो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ये स्विच और ये रेगुलेटर। तो इसे चेंज करेंगे। सबसे पहले फैन का कनेक्शन जो है, फैन का वायर है, जॉइंट है, उसको निकाल लेते हैं। इस तरह से ये फैन का है और जो रेगुलेटर है उसमें इसमें वायर दिया है, जो नया लाया है उसमें सिर्फ पॉइंट है। इस तरह से देखिए, मेन सप्लाई निकालने के बाद रेगुलेटर का वायर निकाल देते हैं। उसे निकालने के लिए आप टेस्टर के सहायता से इस तरह प्रेस करेंगे जहाँ पर मार्किंग दिया है। इस तरह से निकालिए। उसी तरह से नीचे की साइड से भी टेस्टर की सहायता से प्रेस करके निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। इस तरह से दोनों को भी निकाल लेते हैं। इस तरह निकालने के बाद नया रेगुलेटर लगाएंगे। इसको प्रेस करने का ज़रूरत है दोस्तों सिर्फ ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से। उसी तरह 6 एम्पीयर स्विच भी लगाएंगे प्रेस करके ही। देखिए दोस्तों, ये फिटिंग हो चुका है। और अभी यहाँ पर जो स्विच का नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पर लगाएंगे सप्लाई, जो कि पहले निकाल चुके हैं आप, और अच्छे से स्क्रू टाइट कर देते हो। और इसके लिए लगेगा एक वायर का टुकड़ा, जो कि इस रेगुलेटर में यानी कि वायर नहीं, इसमें 2 पॉइंट है सिर्फ। एक पॉइंट में एक वंशकर्म में वायर का टुकड़ा ले चुका हूँ मैं। लेने के बाद इसमें अच्छे से टाइट कर देता हूँ। और दूसरा वाला साइड का जो रहेगा सिरा, उसमें स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में अच्छे से टाइट कर देता हूँ। इस तरह से भी अच्छे से टाइट हो चुका है। अब लगाएंगे एक फैन का जो वायर है उसमें हाफ वाला पॉइंट, उसको निकाल लेता हूँ। उसको रेगुलेटर के दूसरे वाले पॉइंट में लगा देता हूँ। उसे भी अच्छे से टाइट करता हूँ दोस्तों। स्क्रू अच्छे से टाइट करना, लूज रहने को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह से फिटिंग हो चुका है। देखिए, स्विच ऑन कर देता हूँ। रेगुलेटर में स्पीड देता देता हूँ। स्पीड देने के बाद में देखिए, फैन अच्छे से घूम रहा है। इसे मैं फिटिंग कर देता हूँ दोस्तों। फिटिंग करने के लिए देखिए, वायर को अच्छे से पीछे की साइड से लगा देना है। इस तरह से ये वायर छोटे होने की वजह से नहीं, तो इसे टेप या केबल टाइप भी लगा सकते हैं। इस तरह से फिटिंग कर देता हूँ बोर्ड को, जो कि 6 स्क्रू है इसमें, बड़ा बोर्ड होने की वजह से। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबाए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। देखिए, इस तरह से मैंने फिटिंग कर दिया हो। अच्छे से फिटिंग करना दोस्तों, और साथ में ऊपर से प्लेट लगा देंगे इस तरह से, जो कि नाम नीचे आना चाहिए सीधा। देखिए दोस्तों, हो चुका है इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।